तो भाई लोग फिर आगे में एक और एकदम नेक्स्ट लेवल वाली आग सर्वाइवल वर्ल्ड की गेम प्ले वीडियो में। तो आई मैं पिछले वीडियो अपना घर बनाया था, लेकिन अभी क्या अपने घर के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है, मतलब खाली ढांचा ढांचा है घर का, घर नहीं है वैसे, वो मतलब कुछ है ही नहीं है उसके अंदर, बेड तक नहीं पड़ा अपने सोने के लिए, है ना, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर, अभी चेस्ट वेस्ट कुछ नहीं है भाई, सुवान जी अपने अपना सागर साहब अपनी इन्वेंट्री भर के घूम रहे हैं। तो आज हम उस चीज़ को फिक्स करने वाले हैं और मजा इस वाली वीडियो में। तो पता है तुम्हें क्या करना है, कमेंट से सब्सक्राइब, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। और भाई लोग अभी मुझे क्या कहते हैं, सबसे पहले जो चीज़ बनानी है वो है हथियार, ठीक है, क्योंकि जब मेरे पास अच्छे खासे हथियार होंगे तभी मैं जानवरों को पालतू बना पाऊँगा और यहाँ पे आराम से और ज़्यादा रिसोर्सेज भी गैदर कर पाऊँगा बिना किसी से डरे, है ना। तो हथियार बनाने के लिए हम अपनी पुरानी वाली स्मिथी यूज़ करने वाले हैं, और भाई हमें जानवरों को ठोकने की ज़रूरत है हाइट के लिए, तो भाई सबसे सही रहेगा इन्हें हिटलर को ठोकना, क्योंकि भाई ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं तो इनसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज ही मिल जाएंगे आराम से, भाई ये पालतू दवाएँ बन नहीं सकते किसी भी हालत में, है ना, तो इन्हें ठोक ही डालते हैं। और भाई ये हमें मारने के नहीं, कोई भी जानवर, क्योंकि मैंने इन्हें अटैक करना बंद कर रखा था जब मैं इन्हें छोड़ के गया था, नहीं तो भाई अटैक करने लगते हैं दूसरे जानवर से, लड़ने भिड़ने लगते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, फिर और जानवर इनसे अट्रैक्ट होते हैं तो फिर ये मरा जाते हैं, तो इसलिए मैंने इनका अटैक बंद कर रखा था, ठीक है, तो इसलिए हमें मारने के नहीं, ये फ़ायदा है, हम इन्हें आराम से ठिकाने लगा सकते हैं। ओ भाई मैं इसके पैर ही पैर पेल रहा हूँ, एक टाइम पे अपना पालतू था, लेकिन कोई नहीं भाई, अब क्या कहते हैं, नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं भाई, इतना मजबूत है हिटलर, ये कुल्हाड़ी टूट गई मेरी, कोई नहीं भाई, फिर से मैंने रिपेयर कर ली। ओ फाइनली भाई, फाइनली मर गया, ठीक है भाई, तो हमने भी हिटलर का जो हमें सामान मिला था वो रख दिया यहाँ पे पकने के लिए, ठीक है, उससे क्या है उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, फिर उसे आराम से काफ़ी टाइम तक स्टोरेज बॉक्स में रख पाएंगे, और जब हमें जानवर का पालतू बनाना होगा जब निकाल लेंगे ना। और यार मैं पानी में डूब जाता हूँ बड़ी जल्दी, ठीक है। तो भाई लोग अभी हमने यहाँ पे अपनी खुद की स्मिथी बना दी है, अपने इस वाले घर में रख दी, अब क्या कहते हैं हमें उस वाले घर में नहीं जाना पड़ेगा स्मिथी के लिए। और भाई अभी बन चुका है हमारा मोटर एंड पेस्टल, यहाँ पे क्या कहते हैं हम कुछ ही बना सकते हैं, घोटने वाली चीज़ है ना, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा चारकोल डाल देता हूँ जिससे कि मैं गन पाउडर बना पाऊँ, क्योंकि गन पाउडर की मुझे अभी काफ़ी ज़रूरत है, मुझे अभी भाई साहब बम गोले एम्यूनेशन सब बनानी है, पूरा ऐसा एमओ का स्टोर खोलना है मुझे अभी, है ना, तो मैं गन पाउडर बनाता हूँ, ठीक है भाई लोग। तो अभी हमने इसके अंदर मोटर एंड पेस्टल के अंदर बहुत सारा सामान लोड कर दिया है, ठीक है, ये भाई इतने सारे पत्थर लोड कर दिए, ये इतना सारा चारकोल लोड कर दिया गन पाउडर के लिए, पहले ये फ्लिंट और पत्थरों को पीस के ये बनाया जाएगा स्पार्क पाउडर, फिर क्या कहते हैं स्पार्क पाउडर और चारकोल को पीस के बनेगा गन पाउडर, ठीक है, तो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। और इतने सब बनता है, इतने हम क्या करते हैं अभी अपने लिए कपड़े वपड़े बनाते हैं, है ना, बेहतरीन से, क्योंकि मैं अभी ऐसा नंगा पंगा घूम रहा हूँ तुम देख ही सकते हो, तो ऐसा नहीं रहना है, हमें कपड़े अच्छी हैं, एक सिविलाइज इंसान की तरह दिखना है। और भाई अभी अपन ऐसे दिख रहे हैं कुछ एकदम भाई पुराने टाइम के योद्धा जैसे, है ना, देखो भाई योद्धा होते थे पहले ऐसे, इतने तकड़े पूरे लोहे के आर्मर में, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई, भाई मस्त चमक मार रही है अभी अपने अंदर, ठीक है, और ये आर्मर जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, तो अभी हम अगर डायनासोर से लड़ेंगे और वो हमें मारेंगे भी ना तो हमारा कुछ खास नहीं उखड़ने वाला। और अभी भाई हम क्या कहते हैं अपने जो मेटल था हम यहाँ से खोद खोद के लाते थे, उसे हम दूसरे वाले घर की भट्टी में पिघला रहे थे, है ना, जो वो होती है क्या बोलते हैं भट्टी को, मैं भूल गया, फर्नेस, तो भाई दूसरे घर की इस वाले घर की फर्नेस से पिघला रहे थे हम अभी अपना मेटल, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने वाले, अब भाई हम एक फर्नेस अपने घर में बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं अभी हम अपने मेटल भी पिघला पाएंगे, ठीक है भाई लोग। तो अभी क्या कहते हैं लाइट चली गई थी मेरे घर पे और मेरी काफ़ी सारी जो वीडियो बनाई थी मैंने इतनी मेहनत करके वो बर्बाद हो गई, है ना, लेकिन मेरी जो प्रोग्रेस है गेम की वो बची रहेगी, तो मैं तुम्हें बताता हूँ अभी मैंने करा क्या है काफ़ी ज़्यादा समय लगा के, ठीक है, तो मैं जैसे तुम्हें एक बार टूर सा देता हूँ कि मैंने अभी तक बनाया क्या क्या है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता मैंने कहाँ तक की वीडियो रिकॉर्ड करी थी और कहाँ तक की नहीं। तो जैसे कि यहाँ से घर के अंदर घुसे ये आया अपना कमरा, यहाँ पे हमने भाई इतनी सारी फायरप्लेस बना दी क्योंकि हमें डायनासोर के लिए बहुत सारा खाना बनाना पड़ेगा जब हम अगली वीडियो में डायनासोर को पालतू बनाएंगे, तो उसके लिए कमी नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे हमने बेड बना रखा है अपने सोने के लिए क्योंकि अभी तक ये भी नहीं था हमारे पास हम सोते कहाँ पे। और क्या कहते हैं यहाँ पे ये है अपना स्टोरेज रूम, यहाँ पे हमने खाली दो ही स्टोरेज बॉक्स बनाया, अभी थोड़े से और बना देंगे थोड़ी देर में,
और इनके अंदर क्या है, ये वाला तो हमारे खाने के लिए, ये वाला डायसो के खाने के लिए। एक को मैं बनाता हूँ अभी, उसमें खेती का सामान रखूंगा, जो भी अपना खेती से रिलेटेड सामान होगा वो इसके अंदर जाएगा। जैसे कि अभी मेरे पास कुछ बीज पड़े हैं तो वो डाल देता हूँ मैं इसमें। ऊपर आने के बाद भाई ये तो है अपनी भट्टी, इसके अंदर हम मेटल को पिघला के मेटल इंगट बनाएंगे, जो हमने बनाए भी हैं काफ़ी सारे, जिसकी वजह से हमने बहुत से स्ट्रक्चर्स भी बनाए हैं, है ना। और ये है स्मिथी, ये हम पहले अपने दूसरे घर वाली स्मिथी यूज़ कर रहे थे कुछ चीज़ें बनाने के लिए, फिर हमने ये वाली अपने घर में बना दी, है ना। और इसके अंदर हम मतलब हथौड़ा वथौड़ा यूज़ करके फुल एकदम हथिया वथिया बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आता है मोटर एंड पेस्टर, और ये क्या कहते हैं अपना कुकिंग पॉट है, खाना वाना बना सकते हैं हम इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पे आ गए हम बाहर अपने घर के, और ये एकदम सामने वाला छतड़ा है। यहाँ पे हमने क्या है, क्रॉप प्लॉट बना रखे हैं, सारे के सारे स्मॉल क्रॉप प्लॉट हैं, इनके अंदर बेज वगैरह उग सकती हैं। ये मीडियम क्रॉप प्लॉट है और ये है लार्ज क्रॉप प्लॉट। पीछे की साइड तो अपना नॉर्मल ही है ना, ऐसे ही खुला इलाका है, शिका विका का काम आएगा ये। यहाँ पे और कुछ तो नहीं बना अभी, खाली ये फैब्रिकेटर बना है, और इस पर हम राइफल बनाने वाले हैं अभी सबसे पहले। भाई राइफल बड़ी तकड़ी सी चीज़ है, मतलब मैं तुम्हें दिखाऊंगा यूज़ करके, एकदम मज़ा सा आ जाएगा, है ना, धप 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 करके, खतरनाक चीज़ है। राइफल बना सकते हैं हम इसके अंदर, असॉल्ट राइफल। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने क्या कहते हैं राइफल बना ली यहाँ पे, और इसके अंदर हमने डायनासोर का खाना बनने के लिए रखा था, तो एक बार देखते हैं कितना बना कितना नहीं बना। और ठीक है, खाना अभी बन चुका है पूरा, तो इसे लेकर भाई उस डब्बे में डाल देते हैं। तो भाई लोग जैसा कि अभी हमने असॉल्ट राइफल बना लिया है, तो अभी इसे जाकर टेस्ट करते हैं हम, है ना, कि कितनी ताकत है इसके अंदर, कितना असॉल्ट कर सकती है ये। और भाई अभी हमारे पास है टेस्ट सब्जेक्ट सुंडी। सुंडी यार देख, तू मुझे बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन अब तो अपनी बेवफा हो गई, तो इसलिए पट से हेडशॉट मार देंगे। भाई साहब 36 लेवल है सुंडी का, ठीक है, तो देखते हैं 36 लेवल की सुंडी कितनी गोलियों में मरती है। अभी हमारे पास 80 गोली हैं असॉल्ट राइफल की, तो और एक मैग खाली हो गई, ठीक है, सुंडी को मारने में। देखते हैं बस अच्छी कितनी गोली है हमारे पास। तो भाई 36 लेवल की सुंडी को मारने के लिए 40 गोली लगी है इसके अंदर। तो भाई इस तरह से पता लगता है कि असॉल्ट राइफल जो है वो चलानी है तो बहुत महंगी, लेकिन हाँ ये है, अगर कहीं हमारी जान खतरे में आ गई तो जब काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि भाई ये भर देती है, बहुत बढ़िया करके भरती है यार, ठीक है, मतलब कोई टिक नहीं सकता इसके सामने, कितना ही तगड़ा डायनासोर हो कोई भी हो इसके सामने टिक सकता। तो अभी के लिए ये जब भी काम लेने की चीज़ है जब हमारी जान खतरे में हो, क्योंकि भाई इसे बनाने के लिए मेटल लगता है, और मेटल भाई यहाँ पे काफ़ी कम मिलता है, पत्थर वत्थर फोड़ के मिल तो जाता है, लेकिन इतना भी नहीं मिलता जितना उन पहाड़ों पे मिलता है जहाँ पे हम अभी जाने वाले हैं। तो वहाँ पे तो इसे चलाना फिर भी थोड़ा सा फीजिबल हो जाएगा, लेकिन अभी इतना नहीं है। और भाई शायद एक चीज़ मैंने तुम्हें अभी दिखाई नहीं, प्रिजर्विंग वो कंपोस्ट बिन, कूजा नीचे, बढ़िया, ये रहा भाई कंपोस्ट बिन। इसके अंदर हमें जब जानवर पालेंगे और टट्टी करेंगे तो उनकी टट्टी डाल के और उससे खाद बनाएंगे, है ना, और उस खाद को ऊपर खेत में डालेंगे, तो इसका ये काम है। और इसके बाद में ये अपने खेत हैं सारे के सारे, खेत खलिहान। और एक चीज़ नहीं करी मैंने अभी, पाइपलाइन नहीं लगाई। भाई पानी भी तो चाहिए अपने पेड़ पौधों को उगने के लिए। ठीक है भाई लोग, तो अभी हमने जो है यहाँ तक पानी पहुँचा दिया और खेतों में पानी लग चुका है, इरीगेटेड हो गए सारे के सारे खेत, यहाँ से वाटर इनटेक लेके नदी से, और यहाँ पे ऊपर पहुँचा दिया गया है पानी सारे का सारा। ये रहा भाई, यहाँ पे टंकी लग रखी है, यहाँ से हम अब हमें नीचे कूद के जाके पानी पीने की जरूरत नहीं है, और हम यहाँ से पानी पी सकते हैं आराम से। और अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं यहाँ पे रात के लिए थोड़ी सी टॉर्च लगा देता हूँ, वॉल टॉर्च। अपने वॉल टॉर्च को वहाँ वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे आग नहीं है अभी। तो यहाँ पे अपनी फायर प्लेस भी तैयार हो गई है, तो यहाँ इधर इस इलाके में थोड़ी सी फायर प्लेस रोशनी कर देगी। यहाँ पे फैब्रिकेटर के ऊपर एक टॉर्च लग रखी है, एक टॉर्च मुझे लगता है बाहर वहीं चाहिए इस वाले गेट के ऊपर। ठीक है भाई लोग, तो अभी अपना घर कहीं ना कहीं कंप्लीट सही हो गया। मुझे लगता है इसके अंदर किसी और फैसिलिटी की जरूरत है, या हमारे पुराने घर में कोई और फैसिलिटी थी। हाँ बस एक चीज़ बचती है अभी जो मैं भूल गया था, ठीक है, वो है स्टोरेज बॉक्स। मैंने जो बड़ा वाला स्टोरेज बॉक्स हमने ऊपर लगा रखा था वो तो बना दिया अभी, जो कि तुम देख ही सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने फायर प्लेस ही बना दिया। लेकिन अभी मैंने छोटा स्टोरेज बॉक्स के लिए जो कमरा बनाया था वो नहीं भरा अभी ऊपर वाला, है ना, ऊपर अभी काफ़ी सारे स्टोरेज बॉक्स आ सकते हैं, यहाँ पे तो पूरा भर गया है कमरा। ठीक है भाई लोग, तो हमने यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्टोरेज बॉक्स रखती हैं, कितने, 1 2 3 4 5 स्टोरेज बॉक्स ऊपर रख दिए, और नीचे कितने, 1 2 3 4 नीचे हैं स्टोरेज बॉक्स, है ना,
तो वहाँ का आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग है, इसलिए वहाँ पे 5 आ गए। ठीक है भाई साहब, बंद करते हैं अपने इस वाले स्टोरेज रूम को, जिस जो कि पूरा कहीं कहीं भर चुका है। ठीक है, हमने अपनी पूरी इन्वेंट्री स्टोरेज रूम के अंदर खाली कर दी, और ये वाला स्टोरेज रूम को ही बंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने वैल्यूबल्स हैं, कीमती सामान। और भाई मुझे पूरी की पूरी आशा है कि तुम्हें ये घर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, मज़ा आएगा तुम्हें घर देखने में। और अभी जो अपना पीछे वाला घर था उससे काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित सा, खुला खुला बढ़िया सा, मतलब पीछे वाले घर से काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बनाया है हमने घर। अभी फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर पीछे वाले घर से ज़्यादा है, पीछे वाले घर के अंदर टॉर्च वॉर्च नहीं थी ज़्यादा, यहाँ पर हम टॉर्च वॉर्च लगा रखी है हमने, तो पीछे वाले घर से काफ़ी सही है वैसे। और अगली वाली वीडियो में डायनासोर से लड़ने के लिए हमने हथियार भी काफ़ी सारे बना रखे हैं, जैसे कि ये असॉल्ट राइफल, ये है क्रॉसबो, इसके अंदर हम ऐसे तीर लोड करके नारकोटिक एरो हमने अभी नहीं बनाए है ना, लेकिन बना लेंगे तो उन्हें ऐसे लोड करके और खचाक मार सकते हैं। और ये तो अपनी कुल्हाड़ी है ही नॉर्मल, पेड़ वेड़ फोड़ने के लिए, पत्थर फोड़ने के लिए, ये भी उसी काम आती है। ये है अपनी टॉर्च, कहीं जैसे अंधेरे वंधे में हमें जानवर से लड़ना पड़ा तो वहाँ पर काम आएगी। और ये है बोला, ऐसे घुमा के और भज करके मारेंगे। उसके बाद में ये हमने GPS ही बना रखा है, जिससे कि हम जानवर से लड़ते भिड़ते क्या होता है भाई, कई बार खो जाते हैं, पता नहीं लगता कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं होने का। अब क्या कहते हैं, हमें डायरेक्शंस का पता रहेगा कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसमें डायरेक्शन भी आ रही है ऊपर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और क्या कहते हैं भाई, कोऑर्डिनेट्स भी आ रहे हैं, तो हम मैप में आराम से ढूंढ पाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो भाई आज की वाली वीडियो बस इतना, अगर तुम्हें इस वाली वीडियो मजा आया तो तुम्हें पता है क्या करना है, कमेंट से सब्सक्राइब एकदम भर के कर देना। और भाई मुझे लगता है मजा आया होगा, क्योंकि घर हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया पिछली बार से, पिछली बार भाई ऐसे बनाया था कुछ भी बेकार सा, लेकिन इस बार बढ़िया घर बनाया है, देखने बढ़िया बड़ा है, फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो इस चीज़ के लिए तो भाई एक लाइक बनता है, ज़्यादा नहीं बस एक लाइक है ना। और मैं सोच रहा हूँ अगली वाली वीडियो GTA 5 की आए, देखते हैं किस चीज़ की आती है, आर की आती है, GTA 5 की क्या होता है, अगली वाली वीडियो में देखेंगे अगले सैटरडे को। तो मिलते हैं अगले सैटरडे को अगली वीडियो में।